सी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज सब सना के हो गया पेपर खत्म और नवरात्रि का भी पांचवा दिन चल रहा है, तो मेरा दिल था कि दो थालियों का मैं रिव्यू करूं, हल्दीराम की थाली और बीकानेर की थाली, पर आज के एक दिन में सिर्फ एक ही थाली कर पाऊंगी, तो आज मैं करूंगी हल्दीराम की थाली और हम उधर जाके करने वाले हैं ताकि अच्छे से टेस्ट पता चले। उधर जाके ही करूंगी और उसके बाद हल्दीराम की थाली खाने के बाद हम उसके पास ही है भारत दर्शन पार्क। नहीं, हम बीकानेर वाली पे जा रहे हैं शायद आज, वो उधर जाके देख लेंगे बीकानेर। मतलब एक थाली हम आज करेंगे, उसके बाद क्रेजी फैम अब हम जा रहे हैं बीकानेर देखने के लिए, क्योंकि हमें डाउट है कि बीकानेर में अभी इस टाइम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हल्दीराम तो मिलती है, वो तो हमें कंफर्म बीकानेर में मिलती है शायद, मतलब टाइमिंग तो नहीं है कोई स्पेशल, ये नहीं पता ना, क्योंकि मिस्ट्री मैन कह रहे हैं कि शायद बीकानेर का पहले पता कर लो, हल्दीराम तो मिल ही जाएगा। हल्दीराम करेंगे कल, फिर आपको बताया जैसे कि ज्वाइन करके दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, पहुंच गए हैं, चलो पता करें, भूख लग रही है इस टाइम। चलो मिल गई फाइनली, अब देख लेते हैं। वो भाई साहब इतना बड़ा मेन्यू है, देखते हैं फिर क्या होगा। लेकिन हमें तो थाली बहुत सारा सही में है ना, लेकिन हमें थाली ऑर्डर करनी है, करनी थाली है, पर यही ऑप्शन है लेकिन हमारे पास थाली तंदूर भी है, ये पूरा सब कुछ नवरात्रि स्पेशल मेन्यू है। चलो अब डिसाइड करो, थाली तो थाली है क्योंकि कंपैरिजन कौन सी थाली कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताओ स्पेशल या डीलक्स। हम करते हैं डीलक्स करते हैं, सबके बीच फलारी के लिखा हुआ फलारी। चलो नवरात्रि डीलक्स थाली, भाई साहब कितना मजा है इसमें, सैलेड है, रायता है, ये आलू की सब्जी लग रही है। हाँ आलू की सब्जी, ये क्या है, ये कोफ्ता कुछ लग रहा है ये तो, आई डोंट लाइक दिस। अरे मैं बताता हूँ ना इसमें है, अच्छा ये वो है चावल, है चावल समक चावल, पनीर की सब्जी है ये, पनीर की सब्जी, ये मुझे नहीं लगता। और ये कितने की आई है, ये 440 की। इसमें एक ऑप्शन और है 330 की भी ले सकते हैं, बट उसमें चीजें कम होंगी, चीजें कम है हाँ, बट ये था, ये मैं उसमें पनीर की आइटम नहीं है, मैं और मिस्ट्री मैन शेयर करेंगे तो दोनों के लिए बहुत है। और खा के बताती हूँ आपको, ये तो ये शाही कोफ्ता है, ये शाही कोफ्ता है नहीं नहीं, अच्छा वो तो पता नहीं, और ये बंगाली स्वीट है कोई, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा ये वर्क का खाना है, नहीं यहाँ तो बहुत सारा मेन्यू है। अभी इसके बाद अगर पेट में जगह होगी तो आलू की चाट में और सोचो खाने की, कोई बात नहीं। चलो टेस्ट टेस्ट करो, अच्छा अभी उनका वेट करोगे अभी एक बार, नहीं नहीं या करके दिखाओ। ये है चावल, ये चावल है समक चावल को लिखा है, बहुत स्वाद है ये पनीर, ये है कोफ्ता शाही कोफ्ता, ये मुझे ज्यादा नहीं पसंद आया, आलू की सब्जी, आलू नंबर 1 बहुत बढ़िया। चलो बाकी डेजर्ट लास्ट में दिखाना, चलो ये ले जा रही है आलू की सब्जी के साथ बाइट, चिप्स, अब देखते हैं हल्दीराम की थाली बीट कर पाती है इसको। मजेदार, चलो और ये अरबी का अचार था, बहुत अच्छा नहीं है पर देखने में आपकी डाइजेस्ट लग रहा था कि अचार भी मिल रहा है, ये सब्जी भी अच्छी थी, पनीर भी थोड़ा मीठा था, ये नंबर 1 आलू नंबर 1, बाकी सब कुछ और पेट भर गया मेरा अच्छे से, बहुत अच्छा था। बाकी अब हल्दी राम की खाऊंगी तो पता चलेगा कि बेटर किसकी है, ये भी अगर आपको पेट भरना है नवरात्रि में और अच्छे से, ये फास्ट के साथ साथ फीसटिंग ही है हमने। चलिए अब मिलूंगी मैं आपसे, और अभी आलू चाट भी अभी पेट भी भरा दिया, आलू चाट और पनीर टिक्का नवरात्रि स्पेशल ही है, इसी में से मंगवाया मैंने, में से वो खा के बताते हैं कैसा था, कैसे वाला पनीर टिक्का ही, व्रत वाली आलू चाट, सारा नहीं खाऊंगी मैं, पनीर टेस्ट करके बताना। एवरेज एवरेज बहुत अच्छा नहीं है, आलू चाट सिख दे चोरे
अच्छी होगी। कैसी है? मजेदार। ये देखिए क्रेजी मैम हमारे साथ खा था, सबने मजे लिए हैं। ये देखिए आलू चाट मैंने 2-4 पीस ही खाए थे। ये मिश्री मैंने मेरे को बोला था कि जरूर खा। अरे पूछा जिम जाने का क्या फायदा? तुम्हें पाप लगेगा। कुणाल भैया ने खत्म कर दिया। अरे भरते तुम्हारे भी चीजों में, फिर कुछ बचा हुआ प्लेटों में इसकी भी देख लो बेटे, भरते नहीं आप। क्रेजी फार्म अब चलते हैं। ऑप्शंस कम नहीं लग रहे थे? हम आ चुके हैं, हल्दीराम की थाली आ चुकी है। बट मुझे बीकानेर की बेटर लगी थी अपीलिंग। देखने पे होता है ना, खाने के बाद पता चलेगा। जरा टेस्ट करके दिखा दे। ये रायता, ये पनीर की सब्जी, ये आलू की, ये सीताफल की सब्जी है, ये है सौंफ के चावल, ये कटलेट होए कोई है। चलो चलो टेस्ट करके दिखा दे। तो बहुत अपीलिंग नहीं लग रही, अच्छी उसी की लग रही है। अभी टेस्ट कर लो, थोड़े बाद में बता देना चाहे गाड़ी में। ये तो मीठा है, पनीर की सब्जी बेटर है और आलू की बहुत अच्छी है। कार्ड बनवाना पड़ेगा यार। ये देख, ये राइस तो बहुत सूखी सूखी है, उसके बड़े अच्छे थे, उसके थोड़ी ग्रेवी वाले थे। अब टेस्ट करके रिव्यू बाद में दे देते हैं, है ना? अभी थोड़ा शोर है इधर, कोई बात नहीं। और मैं अब रिव्यू देना चाहती हूँ हल्दीराम की थाली और बीकानेर की थाली का। तो दोनों थालियाँ हमने खाई, मैंने आपको दिखाया, बीकानेर की भी थाली खाई और हल्दीराम की भी आज थाली खाई। हल्दीराम की तो मुझे लगा कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थी बीकानेर, और मुझे एक्सपेक्टेशन जो थी वो हल्दीराम से ज़्यादा थी। बीकानेर की थाली आपने जैसे देखा, उसमें सब्जियां भी बहुत अलग थी और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी भी थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, अचार तक का ध्यान रखा गया था। बट हल्दीराम में सब कुछ, एक तो मुझे चावल समझ नहीं आए, रोटी थी वहाँ, पूड़ी थी, और पूड़ी इतनी अच्छी गरम गरम, और उस वहाँ रोटियाँ थी, मतलब मुझे इन शॉर्ट मज़ा नहीं आया। आउटलेट की वजह से भी फर्क पड़ता है, आप कह रहे थे ना कि आउटलेट मॉल का था उस वजह से। हमने हाँ पैसिफिक मॉल के आउटलेट से खाया। अगर ये मैं हो सकता है हल्दीराम से खाती, ये कोई एक आउटलेट से अच्छे से खाती तो वहाँ फर्क होता, बट मैंने ये दो जगह से खाया, यहाँ से खाया, तो मैं बता रही हूँ उसके बेसिस पे आपको बीकानेर वाली अच्छी लगी। तो मुझे बीकानेर वाली बेटर लगी, अचार भी था सब कुछ था, मुझे बीकानेर वाली। चलो बीकानेर जीती है, बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है उसमें। तो सना शौर्य आ जाओ एंडिंग के लिए। इसी के साथ हम एंड करते हैं अपना ये वाला ब्लॉग। सना शौर्य, आई होप कि इससे हेल्प मिलेगी आप लोगों को कि चूज करने में। आप भी खाइए और बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन सी बेटर लगती है। We'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe and don't forget to press the bell icon. Peace.